स्वागत है आपका नीटिंग एंड फूड क्राफ्ट पे। आज मैं आपके लिए ये पपेट पैटर्न लाई हूँ। ये छोटे बच्चों के ड्रेसेस पे बहुत अच्छा लगता है, तो आइए बताते हैं कैसे बनता है ये। इसके लिए मैंने ये 20 फंदे डाल रखे हैं, तो दोनों तरफ एक एक फंदा हम सीधा रख लेंगे। इसके बाद 6 फंदे हमने उल्टे डालने हैं। ये 6-6 के मल्टीपल पे चलेगा डिजाइन, उसी हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब 6 सीधे, फिर 6 उल्टे, ये लास्ट वाला इसको सीधा रख लेना है। उल्टी सिलाई में सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही बना लेना है उल्टी सिलाई में। ये 2 सिलाइयां डाल ली हैं हमने। ये 2 सिलाइयां डालने के बाद यहाँ हम केबल मोड़ेंगे, तो ये 2 फंदे हैं, एक छोड़ के 2 फंदे हैं, ये बाहर निकालने हैं। ये एक वाला फंदा पहले वाला ये अंदर जाएगा ऐसे, ये दोनों बाहर निकालने हैं इस तरह से। इनको पहले बुन लेना, अब ये वाले 2 फंदे बाहर जाएंगे और ये वाला अंदर आएगा, पहले छठा वाला फंदा जो इस तरह से ये बाहर जाएंगे, ये इस तरह से केबल मोड़ देंगे। ये केबल मोड़ लिया हमने, अब ये आगे उल्टे फंदे आ गए। ये 8 सिलाइयां हमने ऐसे ही डाल लेनी है। ये वाले सीधे वाले फंदे सीधे, ये उल्टे वाले उल्टे, 8 सिलाइयां ऐसे डालने के बाद बनाएंगे आगे। ये 8 सिलाई डाल ली है हमने, तो इस तरह से दिखाई देने लगा ये। अब इसकी ये कैप बनानी है हमने, तो ये आपको यहाँ से उठी हुई अलग से 3D की तरह दिख रही होगी, तो इसके लिए क्या करना है, हमने जो कैप के लिए ऊन लगानी है वो 2 धागे लेंगे हम ऐसे, ये डबल ऊन लेंगे। ये ऐसे चलता रहेगा, इधर उल्टे फंदे ऐसे चलते रहेंगे। जो ये सीधे फंदे हैं यहां पर हम
कैप बनाएंगे। ये डबल ऊन लेके इनको उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये सीधे बुनेंगे इसको 6 फंदे डबल ऊन से। ये जो सीधे फंदे बुन रहे थे इस पर हमने ये डबल ऊन लगाई है कैप बनाने के लिए। ये अब उल्टे फंदे हैं जो इनको उल्टा ऐसे बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा है हमारा। अब ये पिंक वाले फंदे आ गए हमारे, तो इसको उल्टी साइड से भी सीधा बनेंगे। इस तरह से सीधा बनेंगे इसको उल्टी साइड से। ये सिलाई भी ऐसी चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ नई नई चीजें देखने के लिए। अब ये कैप बना रहे हूँ तो ये सीधे फंदे बुन रहे हैं 6 डबल ऊन से। उल्टी तरफ से भी सीधा बुनेंगे इसको। ये वाला पैटर्न बच्चों के स्वेटर पे बहुत अच्छा लगता है। आप एक लाइन भी डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, दो भी डाल सकते हो और पूरे स्वेटर में भी दूर दूर इस तरह के पॉकेट बना सकते हो। ये दो लाइनें बन गई हैं हमारी यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, ये वाले फंदे तो ऐसे ही चलेंगे उल्टे। अब ये पिंक वाले जो फंदे हैं
ये डबल ऊन थी ना, इसमें से एक धागे को काट देंगे हम। अभी आगे हमें सिंगल चाहिए। ये दो सिर्फ इसलिए लगाए थे कि ये थोड़ा मोटा दिखे, इसलिए हमने दो धागे लगाए थे। आगे हम एक ही लगाएंगे। अब यहां से ये पहले वाले दो फंदे हैं, ये एक इधर व्हाइट में आ गए, तो बाकी ये हैं जो ये एक ये सीधा करेंगे, ये आगे वाले उल्टे। अब एक एक दोनों तरफ से कैप की शेप देने के लिए कम करते रहेंगे। ये यहां तक कैप बन गई है हमारी, दोनों तरफ से एक एक फंदा व्हाइट करते गए तो ये कैप बना लिया हमने। ये देखिए इस तरह से ये पूरी कैप है। अब इसको फेस की शेप देने के लिए सुई से हम बनाएंगे इसके ऊपर आंखें। ये ब्लैक थ्रेड डाल लिया मैंने। इस तरह से ये वापस सुई ऐसे निकाल लेंगे। ये वाला जो था क्या इसको ऐसे घुमाएंगे सुई के ऊपर। अब ये सुई को यहां से खींच देंगे। ये आईब्रो बन गई हमारे, ऐसे दूसरी आंख बना लेंगे इस तरफ। ऐसे बन गया, ऐसे इधर से बना लेंगे। घुमाएंगे धागा सुई के ऊपर, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अब ये मुंह की शेप देंगे। मुंह की शेप भी इस तरह से रेड कलर से देंगे हम, जैसे आंखें बनाई थी वैसे ही इस तरह से घुमा के सुई के ऊपर धागा ये शेप देंगे। ये होठों की शेप आ गई,
अब यहाँ पे हमने कान दिखाना है, तो ये कान में हम एक ये रेड बीड्स है मेरे पास, ये देखिए ये लगा दूंगी, ये इस तरह से। वैसे आप अपने मर्जी से जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये एक ही कान में डाल रही हूँ मैं इसके, आप चाहो तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे हम व्हाइट बीड्स लगा सकते हैं आंख के नीचे, इस तरह से सुई से लगा लो, गम से चिपका लो इसको, ऐसे लगा सकते हैं। अगर ये ना लगाना चाहो तो ये जैसे मैंने लगा रखे हैं सितारे, ये लगा सकते हैं, इस तरह से सितारे लगा सकते हैं आंखों के नीचे। ये जैसे मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, आप मोती भी लगा सकते हो, किसी भी तरह से अपने इमेजिनेशन से आप बना सकते हो। ये बच्चों का ब्लैंकेट बनाइए, ड्रेसेस पे बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।